दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है। इससे पता चलता है कि प्यार का क्या मोल है या प्यार का कोई मोल नहीं होता। आइए कथा श्रवण करें। आज की कथा है एक आइसक्रीम वाला और एक गरीब बालक। बहुत सुंदर कथा है, एक बार जरूर सुनिए। एक आइसक्रीम वाला रोज मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने जाया करता था। उस कॉलोनी में सारे पैसे वाले लोग रहा करते थे, लेकिन वहां एक परिवार ऐसा भी था जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उनका एक 4 साल का बेटा था जो हर दिन खिड़की से उस आइसक्रीम वाले को ललचाई नजरों से देखा करता था। आइसक्रीम वाला भी उसे पहचानने लगा था, लेकिन कभी वो लड़का घर से बाहर नहीं आया आइसक्रीम खाने के लिए। एक दिन आइसक्रीम वाले का मन नहीं माना तो वो खिड़की के पास जाकर उस बच्चे से बोला, बेटा, क्या आपको आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती? आप कभी मेरी आइसक्रीम नहीं खरीदते? उस 4 साल के बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर माँ के पास पैसे नहीं हैं। उस आइसक्रीम वाले को यह सुनकर उस बच्चे पर बड़ा प्यार आया। उसने कहा, बेटा, तुम मुझसे रोज आइसक्रीम ले लिया करो, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। वह बच्चा बहुत समझदार निकला, बहुत सहज भाव से बोला, नहीं ले सकता, माँ ने कहा है किसी से मुफ्त में कुछ लेना नहीं, गंदी बात होती है, इसलिए मैं कुछ दिए बिना आइसक्रीम नहीं ले सकता। वो आइसक्रीम वाला बच्चे के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने कहा, तो मुझे आइसक्रीम के बदले में रोज एक पप्पी दिया करो, इस तरह मुझे आइसक्रीम की कीमत मिल जाया करेगी। बच्चा यह सुनकर बहुत खुश हुआ, वो दौड़कर घर से बाहर आया। आइसक्रीम वाले ने उसे एक आइसक्रीम दी और बदले में उस बच्चे ने उस आइसक्रीम वाले के गालों पर एक पप्पी दी और खुश होकर घर के अंदर भाग गया। अब तो रोज का यही सिलसिला हो गया। वह आइसक्रीम वाला रोज आता और एक पप्पी के बदले उस बच्चे को आइसक्रीम दे जाता। करीब एक महीने तक यही चलता रहा, लेकिन उसके बाद उस बच्चे ने अचानक से आना बंद कर दिया। अब वह खिड़की पर भी नहीं नजर आता था। जब कुछ दिन हो गए तो आइसक्रीम वाले का मन नहीं माना और वो उस घर पर पहुंच गया। दरवाजा उस बालक की मां ने खोला। आइसक्रीम वाले ने उत्सुकता से उस बच्चे के बारे में पूछा तो उसकी मां ने कहा, देखिए भाई साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चे को रोज आइसक्रीम खिला सकें। आप उसे रोज मुफ्त में आइसक्रीम खिलाते रहे। जिस दिन मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को मुफ्त में आइसक्रीम खाने नहीं दे सकती। बच्चे की माँ की बातें सुनकर उस आइसक्रीम वाले ने जो उत्तर दिया, वो आप सबके लिए सोचने का कारण बन सकता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। बहन जी, कौन कहता है कि मैं उसे मुफ्त में आइसक्रीम खिलाता था? मैं इतना दयालु या उपकार करने वाला नहीं हूं, मैं व्यापार करता हूं, और आपके बेटे से जो मुझे मिला वो उस आइसक्रीम की कीमत से कहीं अधिक मूल्यवान था, और कम मूल्य की वस्तु का अधिक मूल्य वसूल करना ही व्यापार है। एक बच्चे का निश्चल प्रेम पा लेना सोने चांदी के सिक्के पा लेने से कहीं अधिक मूल्यवान है। आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता? उस आइसक्रीम वाले के अर्थपूर्ण शब्द सुनकर बालक की मां की आंखें भीग गईं। उन्होंने बालक को पुकारा तो वो दौड़कर आ गया। मां का इशारा पाते ही बालक दौड़कर आइसक्रीम वाले से लिपट गया। आइसक्रीम वाले ने बालक को गोद में उठा लिया और बाहर जाते हुए कहने लगा, तुम्हारे लिए आज चॉकलेट आइसक्रीम लाया हूं, तुझे बहुत पसंद है ना? बच्चा उत्साह से बोला, हाँ, बहुत। बालक की माँ खुशी से रो पड़ती है। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें, और कमेंट में जरूर बताएं कि जीवन में पैसा कितना अधिक मूल्यवान है। हमारी कथाओं को दोस्तों शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।